हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ इज़ ऑसम। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको डोर के डिज़ाइन और तरह तरह के वुड्स मिलते हैं, टीक वुड मतलब सागवान के पेड़ के जो वुड रहता है ना, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं उसमें भी क्वालिटीज़। बर्मा टीक वुड जैसा, बर्मा टीक वुड और अफ्रीकन टीक वुड रहता है, घाना टीक वुड प्लस लोकल जो हमारे इंडिया में मिलते हैं वो वाला टीक वुड। सो ऐसे एक चार पांच तरह के क्वालिटीज़ रहते हैं जो आप अपने मेन डोर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज थोड़े एक दो तीन डिज़ाइन भी दिखा दूंगा प्लस कैटलॉग, और साथ ही जो है उसे कैसा आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये कौन सा लाइक घाना है या फिर घाना वुड है या फिर अफ्रीकन वुड है, तो पैटर्न्स किस तरह से रहते हैं वो डिफ्रेंशिएट यहाँ के एक्सपर्ट मतलब द ओनर ऑफ दिस शॉप उन्होंने आपको डिटेल में समझा देंगे। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प मी टू रीच 1 मिलियन सब्स ऑल्सो। सो शॉप नेम इज दीक्षा फर्नीचर, ऑल टाइप ऑफ कारपेंटर वर्क इन्होंने बना देते हैं। एंड इसका एड्रेस अपोजिट टू रविंद्र स्कूल, जिसका एड्रेस है गुम्पा रोड, गुम्पा रिंग रोड शॉप, जो शाहपुर गेट को कनेक्ट करता है। अगर आप बिलोंग करते हैं बिदर सिटी से, कर्नाटक स्टेट बिदर सिटी, एंड ये उनका मोबाइल नंबर, आप चाहे तो कांटेक्ट कर लीजिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इन्होंने ओनर, इनका नाम है सुनील कुमार। एंड आज आपको डोर का कॉस्ट कितना पड़ेगा और इसका साइज़ नॉर्मली हम घर में यूज़ कर सकते हैं उसका हाइट लेंथ बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज कितना रहता है, हाइट और लेंथ मेन डोर का? 78 हाफ इंच आफ्टर इंच हाँ। विड्थ विड्थ 38 हाफ। और उसका थिकनेस कितना रहता है? 7 इंच रहता है। 7 इंच मतलब 1 इंच 1/4 1 इंच बाय 1/4। एंड इसे बनाने के लिए आप कितना कॉस्ट लेते हैं और कितना खर्चा, जस्ट लाइक वर्कर चार्ज कितना रहता है विद चौकट के साथ? चौकट के साथ बोले तो 3000 रुपये लेबर चार्ज डोर का है, चौकट का 500 रुपये लेबर चार्ज, मटेरियल नहीं, मटेरियल छोड़ के। सपोज हमें विद मटेरियल के साथ चाहिए, जैसा एक मेन डोर है समझ लीजिए जिसका साइज़ है, उसका विड्थ है 4 फीट, उसके अंदर आपको डोर और उसका फ्रेम भी बनाना है, तो कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? तो प्राइस बता दीजिए एक, और विथ उसका फ्रेम और उसका डोर कितना प्राइस में पड़ जाएगा? टीक वुड मतलब सागवान का, चौकट बोले तो 6000, डोर बोले तो 15000। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल इसका डिज़ाइन देख लीजिए और बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हर एक वुड का, बर्मा टीक वुड या फिर घाना टीक वुड, अफ्रीकन टीक वुड, उसका पैटर्न किस तरह से रहता है, और वो भी डिटेल में थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। जस्ट इसका डिज़ाइन देख लीजिए, इसका विड्थ है 3 फीट और हाइट है 6.5 फीट। इसका थिकनेस है 7 इंच, 1 इंच प्लस 1/4 इतना। तो अभी हम जाते हैं इसका डिफरेंट वुड का, जैसा बर्मा हो या घाना टीक वुड, उसका डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं अभी इन्हें समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है एक दूसरा मॉडल है, ये भी टीक वुड से बना हुआ है, एंड इसमें दो तीन क्वालिटी भी है और पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, सभी का पैटर्न अलग अलग है। तो डिफरेंशिएट किस तरह से रहता है, सभी का डिज़ाइन पैटर्न चेंज रहता है, बर्मा हो या टीक वुड, अफ्रीकन टीक वुड, अभी इन्हों बताते हैं। तो सर इतना बता दीजिए, इसमें हम कैसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अफ्रीकन वुड है या फिर टीक वुड, और एक डोर के अंदर आप कितना कौन सा टीक वुड यूज़ करते हैं, मतलब अफ्रीकन हो या बर्मा या फिर लोकल,
वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके हमारे पूरे व्यूअर्स को बता दीजिए। ये है बर्मा टीक। ओके, ये बर्मा टीक है और ये घाना टीक है ये। ओके, ये वाला ये भी बर्मा है, दो तीन चकले बर्मा है। ओके, ये और ये घाना टीक है और ये नॉर्मल है, थोड़ा लोकल जैसा, वो भी अफ्रीकन है, फिर लोकल थोड़ा वाइट है थोड़ा। तो अभी हम बर्मा टीकवुड का पैटर्न देखते हैं। ये है बर्मा टीकवुड, इसका पैटर्न देख लीजिए। एंड देखिए दोस्तों, जैसा लाइनिंग पैटर्न्स को ज़्यादा रहता है और थोड़ा ब्राउन कलर में रहता है। ये है बर्मा टीकवुड। मध्यम और यहाँ पे अभी आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस। ये बर्मा टीक वुड, सॉरी बर्मा टीक वुड, ये है लोकल मेड, वो थोड़ा सफ़ेद तरह का डिज़ाइन रहता है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट घाना टीक, ये घाना टीक वुड। तो इसमें पैटर्न्स जो है थोड़ा दूरी पे है। अगर यहाँ पे एक लाइन है तो करीब एक सेंटीमीटर छोड़ के और एक लाइन है, एक सेंटीमीटर छोड़ के और एक लाइन है, इस तरह से। बट इसमें देखिए पूरा नज़दीक है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीक वुड। एंड कलर देख लीजिए, सो थैंक यू सो मच इतना डिटेल बताने के लिए। हैव अ ग्रेट डे। ओके, थैंक यू। Watching this video and do subscribe my channel, share this video with your friends, definitely it's going to help you. और जो भी नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर का तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एंड थैंक्स टू द कंप्लीट ग्रुप ऑल्सो।